आज की रेसिपी है रोस्टेड चटपटे स्वीट कॉर्न्स। हमारे चैनल के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगे तो लाइक करना मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब वाला जो लाल बटन है उसे क्लिक जरूर करना। चैनल के नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को हिट करना। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स हैं स्वीट कॉर्न, लाल मिर्च पाउडर, ओरिगेनो, स्वादानुसार नमक, बारीक कटा हुआ धनिया, बारीक कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च। सबसे पहले हमें स्वीट कॉर्न में जो मॉइस्चर रहता है उसे ख़त्म करना है, इसलिए हम गैस ऑन कर देंगे और इसके ऊपर एक पैन रखकर जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें स्वीट कॉर्न्स ऐड कर देंगे। पैन अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें स्वीट कॉर्न्स ऐड कर देंगे। अब हम इसे थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। स्वीट कॉर्न सब अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं, अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे और तेल गर्म होने के बाद इसमें हम प्याज और हरी मिर्च सॉटे कर लेंगे। तेल अब अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब हम इसमें प्याज और हरी मिर्च सॉटे करने के लिए डाल देंगे। इसमें लाल मिर्च का पाउडर, स्वादानुसार नमक और ओरिगेनो ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसे रोस्ट करेंगे। अब हम इसमें हमारे रोस्टेड कॉर्न्स डाल देंगे। और अच्छी तरह से मिला देंगे। इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो इसे और रोस्ट कर सकते हैं, जितना आप रोस्ट करेंगे उतना ये अच्छा कुरकुरा बन जाएगा। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस डालने वाला हूँ जिससे खट्टा स्वाद आएगा। ये बन गए हमारे रोस्टेड चटपटे स्वीट कॉर्न्स।